हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे एंड आप सभी को नमस्ते। लेटब्रिज सिटी, इस सिटी के बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा, और अगर आपने सुना होगा तो या तो आप इस सिटी में आ रहे हो, आपने इस सिटी में किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपने कोई कोर्स लिया है, या तो आपके पास LMI रिलेटेड जॉब है, वर्क परमिट पर आ रहे हो। वर्क परमिट पर तो बहुत कम चांस है, या तो आप यहाँ पर आ रहे हो पढ़ाई करने के लिए, या तो आपके पास LMI रिलेटेड जॉब है। सो सिटी बहुत बड़ी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है अल्बर्टा में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी ऑल्सो। यहाँ की जो इकॉनमी है वो टोटली डिपेंड है इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में। बाकी जितनी भी सिटीज़ है अल्बर्टा में वो टोटली डिपेंडेंट है नेचुरल गैस पे एंड ऑयल पे, लेकिन ये एक लौती सिटी है जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंडेंट है, स्पेशली एग्रीकल्चर पे और मैन्युफैक्चरिंग पे। तो अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि इज इट रियली वर्थ मूविंग टू लेटब्रिज सिटी, यहाँ पे हमें आराम से जॉब मिल जाएगी, यहाँ का लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, लोग कैसे, कल्चर कैसा, डाइवर्सिटी है या नहीं है, आपको हर चीज़ आपको प्रोवाइड होगी या नहीं होगी। देखो मेन फोकस हमारा यही होता है कि हमें जल्दी से जल्दी PR चाहिए होता है और हमें आराम से जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, हमारा यही फोकस होता है। क्योंकि जॉब मिल पाएगी तो हम आराम से अपना रेंट, अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज पे कर पाएंगे, अगर पैसे हो गए तो अपनी सारी चीज़ें हम फुलफिल कर पाएंगे, अगर पैसे ही नहीं होंगे सो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर अस ऑल्सो टू सर्वाइव, और हमें फिर अपने GIC अकाउंट से पैसे निकालने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सो मैं बात करूँगा इसके प्रो एंड कॉन्स के रिगार्डिंग एंड इज़ इट रियली वर्थ मूविंग टू लेटब्रिज सिटी और नॉट, और यहाँ की सिचुएशन कैसी है, कंडीशन कैसी है, तो हर चीज़ के बारे में बात करेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के रिगार्डिंग भी। सो वीडियो को शुरुआत करने से पहले, वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करना, एंड इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट दिस चैनल यू कैन सपोर्ट बाई सब्सक्राइबिंग इट। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ यू नीड एनी मिनी सेशन लाइक 1-to-1 पर्सनल सेशन आप चाहते हो, तो जो भी आपको इमेज स्क्रीन पे शो हो रही है एंड जो आपको प्राइस शो हो रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो एंड वी कैन बुक अ सेशन, डेट टाइम आपके अकॉर्डिंग। सो बात करते हैं आज के टॉपिक पे, आज के मुद्दे पे। यह सबसे अच्छी बात इस सिटी की यह है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पीपल आर डाइवर्स, पीपल आर वेरी हेल्पफुल, काइंड एंड सपोर्टिव, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए होती है, पीपल आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू, पीपल आर वेरी सपोर्टिव। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे रहना, रेंट एंड अकोमोडेशन बहुत सस्ता है, बहुत अफोर्डेबल है, काफ़ी चीप एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस इन कैनेडा एंड ऑल अदर सिटीज़ इन अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर भी बहुत रहना सस्ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक प्राइवेट रूम चाहिए तो आपको $350 to $500 के अंदर आपको प्राइवेट रूम मिल जाता है, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़, एंड इट्स ऑल डिपेंड कि घर किस तरह का बना हुआ है और टाउन हाउस किस तरह का बना हुआ है। अगर आपको 1 BHK अपार्टमेंट चाहिए तो आपको आराम से $700 to $900 के बीच में मिल जाता है, और सेम गोज़ टू 2 BHK, आपको $900 to $1200 के अंदर मिल जाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका इतना लगता है। एंड इट्स ऑल डिपेंड कि अपार्टमेंट, कॉन्डो किस तरह के बने हुए और किस तरह की आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक जिम की फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ और बाकी अदर स्विमिंग फैसिलिटीज़ और बाकी अदर चीज़ें भी। तो अब बात करते हैं जॉब मार्केट के रिगार्डिंग। जॉब्स यहाँ पे डाइवर्स है लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। सो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कैनेडा, विदाउट स्किल्स यू आर हैंडीकैप्ड। जितने ज़्यादा स्किल्स उतने ज़्यादा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी और बेटर आप अर्न कर पाओगे, और बेटर अगर आप अर्न कर पाओगे, रेंट, अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग आपके पास पैसे होंगे तो आपकी लाइफ रहेगी चिल और रिलैक्स। तो सीधा बात करता हूँ फिर से जॉब्स के रिगार्डिंग, अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, आपके पास लोकल चेन्स भी है, वॉलमार्ट भी है, कॉस्को भी है, रियल कैनेडियन भी है, कैनेडियन टायर भी है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स आपको मिल जाएगी। अपॉर्चुनिटी है लेकिन लिमिटेड है, और आपको थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, 1 महीना 1.5 महीना टू फाइंड अ जॉब, टू गेट अ जॉब, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो। अगर आपके पास स्किल्स है इट वुड बी अ वेरी गुड फॉर यू। और आपको मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बना के लाना और साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट लेटर ज़रूर लेके आना, इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। आपको इससे रिलेटेड जॉब भी मिल जाती है लॉजिस्टिक कंपनी में और डिलीवरी कंपनी में, लाइक डोमिनोज में, सबवे में और अदर कंपनी में, सो ड्राइविंग लाइसेंस विल बी मस्ट। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर की स्किल्स भी ज़रूर सीखना। तो मैं फिर से बात करता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी लेकिन अगर आप उसको ढंग सही जगह से अप्लाई करोगे तो। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब अगर ढूंढनी होती है ना तो इंडीड पे या jobsbank.gcca पे आपको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आपको वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेकिन वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वो आपको तब बुलाते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग। लेकिन अगर आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो या तो आप वॉक इन करो, या तो उस कंपनी के वेबसाइट पर जाओ, उनके कैरियर पेज पर जाओ और वहाँ पर जाके अपना CV अपलोड करो या अप्लाई करो, तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा चांस है आपके कि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, रेफरेंस कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करते हैं। आप कनाडा में किसी भी सिटी में रहते हो, किसी भी प्रोविंस में रहते हो, जितने ज़्यादा रेफरेंस, जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतने जल्दी आपको जॉब मिलती है, उतना जल्दी आप
आराम से अमाउंट कमा पाओगे। रेफरेंस कॉन्टेंट आपको हर चीज़ में हेल्प करती है, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, सिर्फ जॉब्स की बात नहीं है, हर एक चीज़ में भी, डेली लाइफ में भी, कल्चर इवेंट्स में भी, जॉब्स में भी, और बहुत सारी चीज़ों में भी। और यू विल फील कि आप किसी से बात कर पा रहे हो, यू विल नॉट फील डिप्रेस और एग्जाइटी और टेंशन। सो रेफरेंस कॉन्टैक्ट ज़रूर बनाना। तो अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे यहाँ पे पब्लिक बस है, बाकी अगर आपको कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना हो, अगर आपको सिटी के किसी भी कोने में भी जाना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट्स लगेंगे अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी है तो। बाकी बस सर्विस जो है वो पंचुअल है, अपने टाइम पे आती है। अगर आपके पास गाड़ी है देन इट वुड बी अ गुड फॉर यू, आप आराम से कंप्यूट भी कर पाओगे, अपने कॉलेज जाने के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। कि आपको कोई ग्रॉसरीज भी खरीदनी है, कहीं घूमने भी जाना है, या आपको एडमिंटन कैलगरी भी जाना, किसी और सिटी में भी जाना है, तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, गाड़ी आप तब खरीदना जब आपके पास इनफ पैसा हो और आपके पास जॉब हो, क्योंकि तभी आप ईएमआई पे कर पाओगे, या तभी आप कैश पे आप गाड़ी खरीद पाओगे, और तभी आप इंश्योरेंस भी आप गाड़ी की पे कर पाओगे हर महीने महीने। सो स्किल्स हो गए ना तो आप सब कुछ पे कर पाओगे, अगर नहीं होगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई, अब मैं बात करता हूँ क्राइम के रिगार्डिंग। क्राइम काफ़ी हाई है, लेकिन जो क्राइम है वो मर्डर्स वाला क्राइम नहीं है, वो क्राइम है थेफ्ट का क्राइम, रॉबरी, गाड़ी चोरी कर लेना, किसी रिटेल स्टोर पे जाना, वॉलमार्ट पे जाना, या कॉस्को पे जाना, वहाँ से कुछ चीज़ें उठा के ले आना, उस तरह के क्राइम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम है। बाकी एक चीज़ कहूँगा, सेल्फ डिफेंस इज़ मस्ट, सो बी मेंटली स्ट्रांग जरूर रहना। आप कनाडा में कहीं भी जाते हो, कहीं भी रहते हो, बी मेंटली स्ट्रांग होगे, आप सिचुएशन को फेस कर पाओगे, और डिप्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन नहीं आप फेस करोगे, और अपनी फैमिली से ज़रूर बात करना, यू विल फील गुड। सर अब बात करते हैं लेटबी सिटी के कॉस्ट ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग। अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग बताऊँ तो कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी चीप है एज कम्पेयर टू ऑल द प्रोविंस इन कैनेडा एंड इवन ऑल अदर सिटीज़ इन अल्बर्टा ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्राइवेट रूम लेते हो तो वो आपको पड़ेगा $350 to $500 के बीच में इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। अगर आप 1 BHK अपार्टमेंट लेते हो तो वो आपको पड़ेगा $700 to $900 के बीच में इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। अगर आप 2 BHK अपार्टमेंट लेते हो तो आपको पड़ेगा $900 to $1200 के बीच में इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। बट इट्स ऑल डिपेंड कि अपार्टमेंट कॉन्डो कैसा बना हुआ है और आपको उसमें साथ साथ कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, लाइक जिम के रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, स्विमिंग पूल के रिगार्डिंग, उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस मैटर करता है। बाकी ओवरऑल कहूँ तो लेटविस काफ़ी सस्ता है, काफ़ी चीप है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी सस्ता पड़ेगा। साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो आपको मैं बता चुका हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग, इवन क्राइम भी काफ़ी हाई है, लेकिन छोटे मोटे क्राइम, थेफ्ट के रिगार्डिंग, रॉबरी के रिगार्डिंग इतने ही क्राइम है, लेकिन मर्डर वाला क्राइम ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये एडमिंटन से पड़ता है अराउंड 250 किलोमीटर की दूरी पे, सॉरी 450 किलोमीटर की दूरी पे लेटविस सिटी, और कैलगरी से पड़ता है ये 211 किलोमीटर की दूरी पे। तो अगर आपको कैलगरी सबसे नियरेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अगर आपको लेटविस सिटी से कैलगरी जाना है तो आपको आराम से 2.25 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप गाड़ी कितनी स्पीड में चलाते हो, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम इतना ही है। बाकी यार ओवरऑल मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये एक लौती सिटी है अल्बर्टा में जिसकी इकॉनमी एग्रीकल्चर और एग्री फूड पर डिपेंडेंट है, क्योंकि बाकी जितनी भी इकॉनमी है अल्बर्टा में, जितनी भी सिटीज़ हो, स्मॉल टाउन हो, इवन रूरल एरिया भी हो, उनकी जो इकॉनमी है वो डिपेंड करती है नेचुरल गैस पे, ऑयल पे। लेकिन लेटविस इज़ द ओनली सिटी जिसकी इकॉनमी एग्रीकल्चर, फूड पे रिलेटेड है, और थोड़ी बहुत टूरिज्म पे भी है। अगर मैं आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग कहूँ तो इतनी यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है, इतने इवेंट्स नहीं होते, लेकिन इवेंट्स होते हैं, स्पेशली इन द समर टाइम पे इवेंट्स काफ़ी होते हैं। विंटर में बहुत कम इवेंट्स होते हैं, विंटर में आपको लोग दिखेंगे भी नहीं, समर में आपको लोग थोड़े बहुत तब भी दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी वैसे पॉपुलेशन है भी नहीं, और बहुत बड़ी सिटी भी नहीं है और बहुत छोटी सिटी भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे नेचर बहुत अच्छा है, और आपको हाइकिंग, कैंपिंग करना पसंद है देन दिस प्लेस इज़ फॉर यू। लेक है, रिवर है, इट्स अ ग्रेट एंड अमेजिंग प्लेस। अगर आपको कैंपिंग करना है, हाइकिंग करनी है, इट्स अ अमेजिंग प्लेस। बाकी अगर आपको नेचर बहुत पसंद है, आप नेचर लविंग हो, तो वैसे ओवरऑल कनाडा ही बहुत बढ़िया है, लेकिन इस प्लेस को कुछ अलग ही खास बात है, क्योंकि यहाँ पे लोग कम है और यहाँ पे बहुत सारे पार्क है जो आई थिंक किसी और सिटी में इतने पार्क नहीं है। बाकी इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, लाइक फूड से रिलेटेड इवेंट, कॉन्सर्ट होते हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, स्पेशली समर्स पे होते हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, स्किल्स ज़रूर से क्या ना, जो मैं पहले से बोल चुका हूँ, विदाउट स्किल्स यू आर हैंडीकैप्ड, अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है, बहुत लिमिटेड है। सो लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कनाडा।
अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के रिगार्डिंग। लेटब्रिज यूनिवर्सिटी, लेटब्रिज कॉलेज, इट्स एन अमेजिंग यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर टीचर बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन यहाँ की बहुत अच्छी है। आपको हर तरह का कोर्स मिल जाएगा, चाहे वो रिटेल से हो, मैनेजमेंट से, आईटी फील्ड से, नर्स हो, मेडिकल फील्ड से हो, चाहे स्किल बेस्ड आप कोर्स भी आप लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि अल्बर्टा की, आप अल्बर्टा में से कहीं भी रहते हो, यहाँ पे पीआर मिलना बहुत ईजी है। कोई भी 2 ईयर्स का कोर्स लो, आप ऑटोमेटिकली उसे एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने 1 ईयर का कोर्स भी लिया है, आपको 6 मंथ्स का फुल टाइम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप पीएनपी में फाइल लगा सकते हो, एआईपीपी में फाइल लगा सकते हो। अच्छा, एक मैं चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमने ऑन्टेरियो से पढ़ाई करी है, ब्रिटिश कोलंबिया से पढ़ाई करी है, या किसी और प्रोविंस से पढ़ाई करी है, लेकिन हमारा वहाँ पर सी आर एस स्कोर नहीं बन रहा, और अगर हम अल्बर्टा मूव हो जाते हैं तो क्या हमें आराम से पीआर मिल जाएगा? मिलेगा भी और नहीं मिलेगा, पार्शली है। लेकिन अगर आपने किसी और प्रोविंस से पढ़ाई करी हुई है और आपने अल्बर्टा में एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, तो आप पीएनपी में लगा सकते हो फाइल, एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगा सकते हो, लेकिन आप एआईपीपी प्रोग्राम पे फाइल नहीं लगा सकते, क्योंकि एआईपीपी ये कहता है कि आपकी जो स्टडी है वो अल्बर्टा में ही होनी चाहिए, किसी और प्रोविंस में नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो तो आपको मैं उस हिसाब से कहूँगा कि आप सस्कैचवान मूव हो, मैनिटोबा मूव हो, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, ये प्रोविंस ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा। अब यार एक आखिरी पॉइंट है, वो है जीएसटी के रिगार्डिंग। बारिश भी काफ़ी हो रही है तो ये आखिरी पॉइंट को मैं ऐड कर देता हूँ। कैनेडा में टैक्स सिस्टम सबसे कम अल्बर्टा प्रोविंस में ही है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस। 2 तरह के टैक्स होते हैं, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, जीएसटी एंड पीएसटी। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 5% है, जो हर जगह कॉमन है हर प्रोविंस में। एंड दूसरा होता है पीएसटी, प्रोविंशियल टैक्स। हर प्रोविंस का अपना अपना टैक्स होता है। न्यू ब्रंसविक का 10% है, ऑन्टेरियो और ब्रिटिश कोलंबिया का 13% है। अल्बर्टा इज़ द ओनली प्रोविंस, अल्बर्टा एंड द नुनावुट इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ पे प्रोविंशियल टैक्स 0 है। अगर आप कोई भी कॉमोडिटी बाय करते हो, कोई भी फूड, एग्रीकल्चर फूड बाय करते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बाय करते हो, तो आपको सिर्फ 5% का टैक्स ही देना पड़ता है। इवन इनकम पे भी टैक्स काफ़ी कम है अल्बर्टा में। अल्बर्टा इज़ द ओनली प्रोविंस जो टैक्स के लिए हेवन है। आप वहाँ पे काफ़ी इनकम बचा सकते हो, और आप पैसा बचाओगे तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, घर खरीद सकते हो, इवन घर भी बहुत चीप है। और अगर लेटब्रिज सिटी के रिगार्डिंग कहूँ तो घर आपको आराम से मिल जाएगा, 4 BHK अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा 3,42,000 कैनेडियन डॉलर्स में, 4 BHK अपार्टमेंट, और उसमें 2 डिटैच बाथरूम टॉयलेट्स हो गए। सो इट्स अ अमेजिंग डील अगर आप सेटल होना चाहते हो, अगर आपको अल्बर्टा प्रोविंस में आप कहीं भी सेटल होना चाहते हो। पैसा बच रहा है इनकम में भी, पैसा बच रहा है टैक्स में भी, इवन घर भी बहुत सस्ती है, चीप है, और एम्पल ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो कॉन्डो हो, अपार्टमेंट्स हो, टाउन हाउस हो। अगर किसी को नहीं पता टाउन हाउस क्या होता है, टाउन हाउस होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहो टाउन हाउस होता है कोठी, और कुछ नहीं है। बाकी यार बहुत बड़ी सिटी नहीं है, बहुत हैपनिंग सिटी नहीं है, लेकिन हैपनिंग है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा आखिरी में, स्किल्स ज़रूर सीख के आना, रेफरेंस कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करते हैं। इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे, आपको साउथ एशियन कम्युनिटी मिल जाएगी ओवरऑल की बात कहूँ तो मैं, लेकिन आपको इंडियन पीपल, हिंदुस्तानी लोग काफ़ी मिल जाएंगे। बाकी लोग आर हेल्पफुल, लोग आर सपोर्टिव। सो वीडियो को मैं इंपेंड करता हूँ, एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ यू नीड एनी मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन जस्ट DM मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस अ नॉमिनल फीस जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, और आप किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। वी विल फाइनलाइज डेट एंड टाइम फाइनलाइज कर लेके। सो वीडियो को मैं इंपेंड करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।